खबर जालौर के चितलवाना क्षेत्र से है, जहां सालों पहले जो खेत हरियाली से लहराते थे, वहां की जमीन समय के साथ साथ बंजर होती जा रही है। आपको बता दें कि यहां के दर्जनों गांव की जमीन रणखार से सटे होने के चलते खारी हो चुकी है। इसी के चलते फसल उगाना तो दूर, घास भी यहां पर नहीं उग पा रही। जी हां, राजस्व रिकॉर्ड में बंजर जमीन उपजाऊ फिलहाल बताई जा रही है। किसानों ने इस पर बताया कि नर्मदा नहर का पानी ओवरफ्लो होने के बाद कई दिनों तक खेत में पड़ा रहने के चलते जमीन का लवण ऊपर आ रहा है। इससे उपजाऊ खेत धीरे धीरे बंजर हो रहे हैं। इसी के चलते कई किसानों की जो आजीविका है वो भी संकट के बादल उस पर छा रहे हैं। नहर के कुछ क्षेत्र हैं हमारे, नियर अबाउट 20 से 22 गांव हैं, जिनमें नियर अबाउट बाकी है खागुड़ा, सेसावा, डूंगरी, आरवा, भेड़िया, केजरेली, बवादरा, अकुड़िया, रूपा, जोराजा, ये एक ऐसे गांव हैं जहाँ पे खार का क्षेत्र है जी। और वक्त के साथ वो बढ़ भी रहा है, परंतु वहाँ कुछ और, मतलब वो गैर मुकिंग खार के नाम से दर्ज है रेकर्ड में जी। कुछ और करने के लिए अभी तो सरकार की तरफ से हमारे पास निर्देश नहीं है, ऐसे कोई निर्देश आते हैं तो उसके पालन में हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। बरसात ज़्यादा होती है नहीं, जो भी ये खेत ज़्यादा खारा होता जाए, आगे आगे जाके बढ़ती जावे, खार बढ़ती जावे, खेती वो भी फसल रमो खार बढ़ गयो आगे। अच्छा, ये पहले भी यहाँ आज जमीन मेरे पहला इन आज हूँ 5 साल नहर पहला आई जगह पर, इसमें टबके जीरा हुआ था। अब बरसात हुई 3 साल 34 साल देखो ज़्यादा बरसात हुई, उन बरसात से ज़्यादा खार बढ़ गया, मेरे कम से कम 10 बीघा ज़मीन खारी हो गई।